हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहले ही 3 वीडियो डाल चुका था, है ना। बस्तर संभाग के 3 जिले सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ठीक है। उसी सीरीज का ये चौथा वीडियो है, इसमें हम बस्तर जिला को ही हम लोग इसमें इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैंने नक्शा पहले से बना दिया है, सारा चीज इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो वो सब चीज में भी विस्तृत बारे में जानकारी देते जाऊंगा। एक टॉपिक के बारे में, टॉपिक मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, लेफ्ट साइड में लिख दिया है टॉपिक, है ना। इसी टॉपिक के बेस पे हम लोग इस मैप को पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बस्तर संभाग में बस्तर जिले की स्थापना, ठीक है। बस्तर जिले की स्थापना बस्तर जिला सबसे पुराना जिला है, मतलब 1948 में इस जिले की स्थापना हुई थी। 1948 में ये जिला बनकर अस्तित्व में आया था, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश जब राज्य था तो उस टाइम ये हमारे राज्य का उस टाइम भी सबसे बड़ा जिला था, और एमपी मतलब मध्य प्रदेश राज्य में भी है सबसे बड़ा जिला था बस्तर संभाग, जिसमें अभी टोटल 7 जिले बन चुके हैं बस्तर कोट के, है ना। जिसमें से हमने 3 जिले पढ़ लिए हैं और ये चौथा जिला है, इसके बाद और 3 जिले पढ़ेंगे हम लोग। तो टोटल 7 जिले हैं बस्तर संभाग में, जिसमें से ये चौथा जिला है। तो स्थापना देखिए, स्थिति इसकी है, इसके उत्तर में कोंडागांव जिला है, है ना, और पश्चिम में बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला, और दक्षिण में है सुकमा जिला, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है ये उड़ीसा, है ना, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से लगा हुआ है, ये उड़ीसा की सीमा है, ये जो बस्तर जिले को पूरी कवर करती है, है ना, उड़ीसा सीमा, ठीक। उसके बाद तहसील, सेकंड टॉपिक है तहसील। टोटल इसमें 7 तहसील है, कुल 7 तहसील है, जिसमें मैंने यहाँ दर्शा दिया गया है, देखो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, BW मतलब बकावंड, है ना, B मतलब बस्तर, LG मतलब लोंडीगुड़ा, BN मतलब बास्ताना, उसके बाद तोकापाल है, TP मतलब तोकापाल, उसके बाद ये है दरभा के बाद जो मेन है हमारा ये है जगदलपुर। तो टोटल 7 तहसील है इसमें, है ना। तो डायग्राम में सब दिख रहे हैं हमको स्पष्ट रूप से। मुख्य सड़क मार्ग है 2 नेशनल हाईवे है, मुख्य सड़क मार्ग में 2 नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 30 जो रायपुर से कनेक्ट करती है जगदलपुर को, ठीक। उसके बाद जगदलपुर से ही एक नेशनल हाईवे गया हुआ है NH 63, ठीक। ये हम दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर जिले में जाके उधर लास्ट में टच करती है। तो ये हमारे 2 मुख्य मार्ग हो गए। इसी मुख्य मार्ग को फॉलो करते हुए हम जगह के बारे में पढ़ेंगे और वहां के उसकी जानकारी लेंगे। तो पहले हम यहाँ से इसकी जगह के बारे में पढ़ लेते हैं, वहां कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। तो जैसे कि भूगर्भिक बनावट है, है ना, भूगर्भिक बनावट कैसी है, तो इसमें पूरा ये जो कड़प्पा चट्टान पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और भौगोलिक परिचय में देखेंगे तो ये बस्तर का पठार भाग आता है, ठीक है, बस्तर का पठारी क्षेत्र है, ये पठार वाला भाग है, बस्तर का पठार है। और भूगर्भिक बनावट मतलब जमीन के अंदर किसी जो चट्टान है वो कौन सी चट्टान है, तो कड़प्पा चट्टान। तो कड़प्पा चट्टान में क्या पाया जाता है, चूने का पत्थर, चूना पाया जाता है ना। तो कड़प्पा में हमको क्या मिलेगा, चूना मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी भूगर्भिक बनावट। और भौगोलिक परिचय में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक परिचय में हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब कड़प्पा चट्टान भूगर्भिक बनावट हो गया, और भौगोलिक परिचय में बस्तर का पठार भाग आता है, बस्तर का पठार, ठीक। इसके नीचे वाला भाग था बस्तर का मैदान, ठीक है। उसके बाद मृदा, ठीक है, मृदा मिट्टी कैसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद वनस्पति, है ना, वनस्पति यहाँ की कैसी है, तो सावन, है ना, बस्तर को इसीलिए क्या कहा जाता है, सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे, सावन पाए जाते हैं, ठीक है, सावन, सावन की अधिकतम होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, सावन का द्वीप कहा जाता है। लाल बलुई मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं,
ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं मार्ग पे, है ना, मुख्य मार्ग पे आ जाते हैं, NH-30 पे, परचम पाल। ठीक है, जैसे ही हम बस्तर संभाग में, सॉरी बस्तर जिले में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जगह पड़ेगा परचम पाल। परचम पाल को हम लोग जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, शासकीय सुगर प्रजनन केंद्र है, शासकीय सुगर प्रजनन केंद्र। छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में दो सुगर पालन के दो सेंटर हैं, एक से हमारा परचम पाल में है और एक दूसरा सरगुजा में है, सपोला के नाम से है सरगुजा में, और दूसरा ये है परचम पाल में शासकीय सुगर प्रजनन केंद्र। ठीक, उसके बाद बस्तर। बस्तर एक छोटा सा कस्बा है जिसके नाम पर ही बस्तर जिला का नाम पड़ा है। ठीक है, छोटा सा जगह है। बस्तर जिले का मुख्यालय बस्तर नाम के क्या कह रहे हैं, जगदलपुर है ना, बस्तर जिले का मुख्यालय क्या है, जगदलपुर है। उसके बाद आगे आएंगे तो आसना पड़ता है ना, आसना, आसना में क्या है, ये खनिज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, आसना में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद आगे आएंगे तो छोटे छोटे जगह पड़ेंगे, खड़क घाट, घाट लोहांग, है ना, ये सब जो जगह है घाट लोहांग और खड़क घाट, ये सब क्या है, प्रागैतिहासिक खनिज स्थल है, वैसे स्थल है, प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखते हैं यहाँ पे, मतलब प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में यहाँ से हमको खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं जिससे जगह की पहचान किसके रूप में हुई है, प्रागैतिहासिक काल में स्थल के रूप में हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो इंद्रावती नदी हमारी पड़ती है। ठीक है, नदी के बारे में बताऊंगा, पहले अपन जगह को देख लेते हैं। ठीक, आगे आएंगे तो मुख्यालय पड़ेगा जगदलपुर। ठीक है, जिला मुख्यालय पड़ेगा बस्तर जिले का, जिला मुख्यालय जगदलपुर। ठीक, तो जगदलपुर को क्या कहा जाता है, चौराहों का नगर कहा जाता है। ठीक है, चौराहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे पार्क है, शहीद पार्क, औद्योगिक क्षेत्र से देखेंगे तो एग्रो पार्क, एग्रो पार्क। उसके बाद मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, एंथ्रोपोलॉजिकल मुख्यालय, है ना, जगदलपुर क्या है तुम्हारा, शहीद पार्क है और एग्रो पार्क है और मानव संग्रहालय। ठीक है, और चौराहों का नगर है, साथ ही साथ कृत्रिम झील है ना, दलपत सागर झील है जो कि एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण राजा काफी वंश के राजा दलपत देव ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद चौराहों का शहर कहा जाता है। बस्तर में मुख्य रूप से त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, बस्तर का दशहरा जो कि विश्व में फेमस है, बस्तर दशहरा, है ना, इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये बस्तर का दशहरा हम लोग कला संस्कृति में पढ़ेंगे तो वहां पर डीप में जाते हैं, हम लोग उसके पूरे चरण को देखेंगे। ठीक है, तो ये बस्तर का दशहरा जगदलपुर में मनाया जाता है और विश्व का सबसे अधिक दिन तक चलने वाला क्या है, त्योहार है, मतलब दशहरा कितने दिन तक चलता है, टोटल 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। उसके बाद ये है नेतानार, नेतानार शहीद गुंडाधुर, है ना, जो कि एक क्या थे, क्रांतिकारी थे जिन्होंने बस्तर में अपना विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, विद्रोह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नेतानार ना, सबसे गुंडाधुर, तो गुंडाधुर का क्या है ये जन्म स्थल, भूमकाल विद्रोह, सॉरी 1910 में किया था, 1910 में भूमकाल विद्रोह, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, तो उनका ये जन्म स्थल है नेतानार, वो इन्हीं से संबंधित थे और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके नाम से गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है ना, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ जगदलपुर से और एक संबंध रखते हैं प्रवीण चंद्र वज्रदेव, है ना, जो कि एक यहाँ के क्या थे, राजा थे काकी वंश के, तो उनके नाम से भी क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है तीरंदाजी के क्षेत्र में, मतलब दिया जाता है वो पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं धिरमिली, है ना, धिरमिली में हमारा दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो यहाँ पे क्वार्टाइट रेस्ट मिलता है, क्वार्टाइट मिलता है यहाँ पे, और केंद्र की स्मारक सूची में जो विषय है ना, तो उसमें देखेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पे, कास्ट निर्मित मृतक टीला, है ना, सॉरी कास्ट निर्मित मृतक स्तंभ कहाँ मिलता है, तो ढिलमिली में मिला है।
कास्ट निर्मित मृतक स्तंभ है ना, कहाँ पे है तो ढीलमेरी में, यहाँ पे मिला है। साथ में ही नारायणपाल मंदिर, ये भी केंद्र विषय में शामिल है नारायणपाल मंदिर और ढीलमेरी। साथ में महादेव मंदिर भी है जगदलपुर में, महादेव मंदिर ये भी केंद्र स्मारक सूची में शामिल है। तो ये तीनों किसमें हो जाएंगे, केंद्र स्मारक सूची में हो जाएंगे, ढीलमेरी, नारायणपाल और महादेव मंदिर। ठीक, उसके बाद आगे आएंगे तो दरभा ब्लॉक में दरभा घाटी और झीरम घाटी पड़ता है। ठीक है, तो दरभा घाटी और झीरम घाटी किसके लिए संबंधित है, तो यहाँ पे अभ्रक का सबसे अधिक क्या मिलता है, अभ्रक सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो अभ्रक क्षेत्र है, अभ्रक का उत्खनन किया जाता है यहाँ से। ठीक है, दरभा घाटी और झीरम घाटी से। ठीक, उसके बाद ये सड़क आगे निकल जाएगी सुकमा जिला के लिए। इसके बाद वापस हम लोग जगदलपुर से पकड़ते हैं NH 63 नेशनल हाईवे नंबर 63। ठीक, इस रोड पे हमको एक तो तिरिया माजकोट जगह है, जहां पे तिरिया माजकोट है, यहाँ पे हमको ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं नदियां, है ना, नदियां और जलप्रपात और उससे संबंधित परियोजनाएं, नदियों में कौन कौन सी परियोजनाएं। तो पहले देखिए, मुख्य नदी है बस्तर संभाग की, जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी है। ठीक, इस इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, इंद्रावती का नदी का जो पुराना नाम है वो है मंदाकिनी, इसका प्राचीन नाम है। ठीक, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा में है। ठीक, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में मुंगेर पर्वत से क्या है, ये नदी निकलती है। ठीक है, जिला है कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से ये नदी निकलती है और जगदलपुर इसके किनारे बसा हुआ है। साथ ही बासुर, दंतेवाड़ा में है जो कि ये भी इसी के किनारे बसा हुआ, इसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक, इंद्रावती नदी में ही जो लोहंडीपुरा ब्लॉक है यहीं पे है चित्रकूट वाटरफॉल। तो यही वाटरफॉल को भारत में क्या कहा जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी हाइट है 90 फीट हाइट की है और भारत का नियाग्रा कहा जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का। इसी के आगे में चित्रधारा है ना, दूसरा वाटरफॉल है चित्रधारा जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पे नाम होकर किसपे है, मटना नाला एक नाला है, उसमें ये जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये नाला है, इसी में ही क्या है हमारा चित्रधारा वाटरफॉल। ठीक, मटनार नाला में ही एक और वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, मेदिनी घूमर। ठीक, तो ये हो गया इंद्रावती नदी। उसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों को जब हम गोदावरी या पौतल में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे, जिसमें जिस नदी में वाटरफॉल बने हुए हैं उस नदी को मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक नदी है कांगेर नदी, इस नदी पर बना हुआ जो वाटरफॉल है वो है कांगेर वाटरफॉल। ठीक, उसी की सहायक नदी है मुंगा बहार। ये नदी पर बना हुआ है तीरथगढ़ वाटरफॉल। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, इसकी हाइट है 300 फीट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो मुंगाबाह नदी पे है, नाले पे है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। उसके बाद इसके अलावा यहीं पे और भी जलप्रपात है, जैसे कि महादेव घूमर, तावड़ा घूमर नदी पर है, महादेव घूमर कांगेर वही राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है।
ठीक है, ये जो वाटरफॉल है धीरथगढ़ वाटरफॉल, सब कांगेर नदी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है। ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था, और इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, किसको? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। वर्तमान में नहीं है ये बायोस्फीयर रिजर्व, वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है ना, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर विशेष प्रकार के विलुप्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि आरएस फैक्टर के लिए रिसस बंदर है ना, हमारा जो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना, ये पाया जाता है, उड़न गिलहरी पाया जाता है, उड़न गिलहरी। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही अंगोर गुफा देखने को मिलती है, चार गुफाएं मिलती है यहाँ पे, एक प्राकृतिक गुफा है कैलाश गुफा, ये प्राकृतिक गुफा है, ये जसपुर में भी है और कांगेर में भी, राष्ट्रीय उद्यान में भी है, मतलब बस्तर जिले में। ठीक, उसके बाद है अरण्य गुफा के बाद है दंडा गुफा। ठीक, कैलाश गुफा, अरण्य गुफा, दंडा गुफा, और एक मुख्य गुफा है जो जिसको हम कुटुमसर गुफा बोलते हैं, कुटुमसर गुफा, वहां के जो गांव है का नाम है कुटुमसर है, उसी के नाम पर रखा गया है कुटुमसर गुफा, है ना। यह गुफा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस गुफा के अभी ये क्या है, प्राकृतिक गुफाएं हैं, है ना, सभी प्राकृतिक गुफाएं हैं, तो कुटुमसर गुफा में इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज 1953 में शंकर तिवारी पुरातत्ववेद है, इनके द्वारा, शंकर तिवारी पुरातत्ववेद के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1953 में। ठीक, इस गुफा के अंदर में चूने पत्थर से निर्मित बहुत सारी आकृतियां हैं, है ना, उन आकृतियों में जो चूने के पत्थर है उसको हम लोग स्टेगमाइट और स्टेगलाइट इस नाम से जानते हैं, स्टेगमाइट और स्टेगलाइट। साथ ही यहां पर विशेष प्रकार के मछलियां, विशेष प्रकार की मछली और विशेष प्रकार का झींगुर पाया जाता है। मछली विशेष प्रकार की ऐसी जो अंधी मछलियां पाई जाती है, है ना, अंधी मछलियां पाई जाती हैं। इस मछलियों को सबसे पहले शंकर तिवारी ने देखा था, इस गुफा को उन्होंने की थी, इसीलिए शंकर तिवारी जी ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस मछली का नाम रखा गया है संकराई मछली। और झिंगुर का नाम है कैप्पियोला। ठीक, झिंगुर का नाम क्या है? कैप्पियोला संकराई। इन दो नामों को दिया गया है, इनको मछली को दिया गया है संकराई मछली, और झिंगुर का नाम दिया गया है कैप्पियोला संकराई। तो ये सारी बातें हमारे कांगेर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। उसके बाद खनिज में मैं आपको बता देता हूँ खनिज में क्या क्या मिलता है। तो आसना में मिलता है बॉक्साइट, ठीक है, आसना में मिलता है बॉक्साइट। उसके बाद एक और वाटरफॉल है हमारा तोकापाल, इस नदी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो इस वाटरफॉल का नाम है मड़वा वाटरफॉल। और ढिलमिली में मिलता है क्वार्ट्जाइट, ठीक, दरबा घाटी या जीरम घाटी में मिलता है माइका या अभ्रक का मुख्य यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तोकापाल में डायमंड मिलता है, तोकापाल में क्या मिलता है? डायमंड, है ना, हीरा को खनन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर
जगदलपुर के पास में ही उड़ीसा से किनारे में जगह का नाम है नगरनार, ठीक है, नगरनार। यहाँ पर एनएलडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अभी तक यह कंपनी उत्खनन कार्य करती थी सिर्फ केवल कहाँ पर, किरंदुल में, बेलडिया, है ना, लॉ एस कन्या करती थी, उत्खनन करती थी। लेकिन पहली बार इसने क्या किया है, अपना स्टील प्लांट लगाया कहाँ पर, नगरनार में, नगरनार स्टील प्लांट, है ना, नगरनार स्टील प्लांट किसका है, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित एक इस्पात संयंत्र है, जो कि अभी वर्तमान में चालू नहीं हुआ है। इसके साथ ही दो और इस्पात संयंत्र थे, एसआर और टाटा, लेकिन उनको अभी बंद कर दिया गया है, उनको स्थापना पर अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके बाद उद्योग देखेंगे हम लोग, है ना, उद्योग, तो उद्योग में देखा जाएगा तो जगदलपुर को, जगदलपुर में ही है पंडरी पानी और पंडरी पानी गीतम रोड, है ना, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, है ना, फ्रेजरपुर, फ्रेजरपुर, पंडरी पानी, है ना, गीतम रोड, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और एग्रो पार्क, है ना, एग्रो पार्क मैंने शुरू में बताया था, एग्रो पार्क कहाँ है तो जगदलपुर में, ठीक। उसके बाद उद्योगों में देखने को सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के अंतर्गत जय बजरंग प्लांट, जय बजरंग सीमेंट, सॉरी प्लांट बोल रहा था, सीमेंट, सीमेंट प्लांट, है ना, जय बजरंग सीमेंट कहाँ मिलता है, तो कहाँ पे इसका उद्योग लगा है, तो जगदलपुर में लगा हुआ है। इतनी सारी जानकारियां हैं इसमें, कला संस्कृति में हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे, और जनजातियां हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वनपाल का मुख्यालय जगदलपुर है, वन के क्षेत्र में अगर देखते हैं हम लोग, वनस्पति में सागवनों का रूप है, और वन के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे वनपाल प्रशिक्षण केंद्र है ना, वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में तीन क्षेत्रीय अनुसंधान वन अनुसंधान केंद्र है, तीन क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र, जिसमें पहला एक रायपुर है, दूसरा बिलासपुर है, और तीसरा जगदलपुर है। इससे पहले अगर और एक चीज देखें तो एकमात्र खुली जेल पहले जगदलपुर में थी, लेकिन अब उसको परिवर्तित करके कहां कर दिया गया, बेमेतरा जिला में कर दिया गया। उस जेल का नाम था मसगांव जेल, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हैं ऊपर ऊपर।